इसका मकसद ये कि वार्ड में योग वही है कि लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाए। ओपन जिम में सुबह साय और प्रातः लोग आते हैं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। 10 दिन से एक इनको कैंप लगाएंगे, उस कैंप के जरिए इनको सभी तरह के योगासन आसन वगैरह सिखाएंगे और योगा की संपूर्ण जानकारी देंगे कि योग किस तरीके से करना चाहिए और सही तरीके से योग कैसे किया जाता है। तो काफी अच्छा है, आजकल के बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी अच्छा है कि हमें इतनी मुद्राओं का इतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ अब इनको देखने के बाद एक तरह से इंसान शाम को जो पैदल घूमने जाता है उसके मुकाबले यहाँ पे आके थोड़ी देर ये ओपन जिम की मशीनों का भी उपयोग कर सकता है। उसके अलावा सुबह के समय पे आके यहाँ पर इन मुद्राओं को देख के एक बार कोशिश तो कर ही सकता है इंसान, कम से कम अपने लिए मानसिक स्तर से या फिर शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखने के लिए ये योगा की जो आसन बनाए गए हैं ये सब काफी ज्ञानवर्धक है। विचार किया कि मैं क्या साहब अपन इस पर क्यों ना एक योग की थीम को लेकर एक योग पार्क बना देते हैं जिसमें योग की विभिन्न मुद्रा हो और छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के लिए जगह हो। तो उन्होंने मेरे प्रपोजल को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने वित्तीय स्वीकृति देते हुए वहाँ पर 8 तो मशीनें लगवाई और पूरा हमने उसको पेंटिंग करा के एक अच्छा सा योगमय बना दिया, जहाँ पर सूर्य नमस्कार से लेकर विभिन्न योग की मुद्राओं को लेकर वहाँ पे चित्रकारी की गई है। इसके अलावा भी आयुर्वेद विभाग से हमारे डॉक्टर ने सेवाएं देंगे और योग से जोड़ेंगे हमको। इसके साथ ही राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी विभाग से भी वहां पे आकर वृद्धजनों को फिजियोथेरेपी देंगे। तो कुल मिला के ये योग के साथ साथ एक स्वास्थ्य के लिए भी एक पार्क है जहां पे आकर लोग अपने अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सके। ये मेरा एक अनूठा प्रयास था और मैं कहता हूं ये उदयपुर में पहला ऐसा पार्क है जो योग को लेकर योग की थीम पे बना हुआ है।